नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आपकी एआई एंकर आद्या। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। पीएम नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 22 से 25 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर जाएंगे। मोदी ग्रीस के प्रधानमंत्री कायरियाकोस मित्सोताकिस के आमंत्रण पर ग्रीस जा रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत ने ग्रीस के साथ अपने रिश्तों को खास तवज्जो देना शुरू किया है। ब्रिक्स बैठक के दौरान पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना जताई जा रही है। आगामी 7 सितंबर 2023 को आसियान दक्षिणी पूर्वी एशिया के 10 देशों का संगठन भारत शिखर सम्मेलन का एजेंडा इस बार बहुत अलग सा तो नहीं है, लेकिन आपसी रणनीतिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिहाज से इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाली में होने वाली इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि जनधन योजना के तहत 56% बैंक खाते महिलाओं के खोले गए हैं, 67% बैंक खाते ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाकों में खोले गए हैं। जनधन खातों में जमा रकम 2.3 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची है, जबकि इन खातों से लगभग 34 करोड़ रुपए कार्ड मुफ्त जारी किए गए हैं। वकील अमृता सरकार के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया है कि भीड़ में शामिल महिलाओं ने पीड़ितों के एक वर्ष के बच्चे को भी मारा। हमले के कारण उसके हाथों में फ्रैक्चर हो गया और सिर पर गंभीर चोटें आईं। याचिका के मुताबिक भीड़ ने याचिकाकर्ता संख्या 2 के कपड़े फाड़ दिए और उसे इंफाल में उपायुक्त भवन तक परेड करने के लिए मजबूर किया गया। एयरक्राफ्ट NP-5 नौसेना के बेड़े में NP-5 विमान को शामिल करने से उड़ान परीक्षण गतिविधियों में तेजी लाने में मदद मिलेगी। NP-5 को जल्द ही INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इससे देश के महत्वाकांक्षी ट्विन इंजन डेक बेस्ट फाइटर TDBF को विकसित करने में भी मदद मिलेगी। TDBF ज्यादा हथियार और शक्तिशाली इंजन से लैस होगा। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल सफल डिब्यूस्टिंग के बाद चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल हैं। इसरो ने लैंडर की सेहत पर भी नया अपडेट दिया है। डिबूस्टिंग एक बार फिर की जाएगी और अगली प्रक्रिया 20 अगस्त को भारतीय समय अनुसार तड़के लगभग 2 बजे पूरी की जाएगी। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 20 चीतों में से साल भर के भीतर 6 चीतों की मौत से भले ही चीता प्रोजेक्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को लेकर कतई विचलित नहीं है। इस बीच भारत लाए जाने वाले चीतों के चयन आदि को लेकर जरूरी औपचारिकताओं को लेकर दक्षिण अफ्रीका के साथ चर्चा शुरू हो गई है। शोधकर्ताओं ने चिकनगुनिया के टीके के विकास की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। शोध के मुताबिक चिकनगुनिया वायरस की अदृश्यता ढाल से टीके का विकास या उपचार संभव है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि चिकनगुनिया बुखार के लिए जिम्मेदार वायरस सीधे कोशिका से कोशिका में फैल सकता है। इस प्रगति से आम मच्छर जनित बीमारी के लिए टीका या उपचार विकसित करने में सहायता मिल सकती है। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला शुक्रवार को खेला गया। डबलिन में खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए डकवर्थ लुइस के तहत 2 रनों से इसे जीत लिया। ये मैच भारतीय टीम के कप्तान जसप्रीत बुमराह के लिए बेहद खास था, क्योंकि वे टीम में 327 दिनों बाद वापसी कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।